सबको नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सम्मान जानवी का। इसमें मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे हाईएस्ट पे जो भगवान शिव का मंदिर है, सबसे ऊंचाई पर स्थापित भगवान शिव का मंदिर तुंगनाथ मंदिर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका प्रवेश द्वार है और दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित भगवान तुंगनाथ का मंदिर ये है। यहाँ जो है देश विदेश से जो है आते हैं पर्यटक और भक्त दर्शन करने के लिए। ये देखिए आप कितना मतलब कितनी लगभग 12 से 14 हज़ार की मीटर की ऊंचाई पर है ये पूरा तुंगनाथ, भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर। ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं और नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे गर्भगृह में और मंदिर परिसर में फ़ोटो लेना मना है वैसे, लेकिन आप बाहर से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। ये है भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थापित है ये मंदिर और लाखों भक्त जो हैं इसके दर्शनों के लिए आते हैं। अभी आजकल बरसात का मौसम है तो इसलिए जो है अभी यहाँ मंदिर में भीड़ कम है। ये देखिए, और इससे ठीक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है चंद्रशिला मंदिर है, चंद्रशिला पर्वत है, जहाँ भगवान राम ने प्रार्थना की थी रावण के वध करने के बाद। और ये पंडित जी से मैंने जब जानकारी ली तो पंडित जी ने बताया कि ये जो है यहाँ पर अर्जुन ने भी तपस्या की थी इस तुंगनाथ मंदिर में। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ, और ये इसका जो वास्तुकला है पौराणिक, ये जो बहुत सदियों पुराना मंदिर स्थापित है ये देखिए आप तुंगनाथ मंदिर। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, चोपता एक जगह है, वहाँ से करके यहाँ तक पहुँचना होता है। बहुत ही इस मंदिर की मान्यता है, भगवान शिव का ये मंदिर, भगवान शिव को समर्पित मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है। आप देखिए जय तुंगनाथ जी की जय हो। ये उद्धक कुंड है, जय भगवान तुंगनाथ जी की। यहाँ लोग जो आते हैं वो अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर जो है ये चुनरी बांध के जाते हैं। ये देखिए कहाँ स्थापित किया है इस मंदिर को, इतना सदियों पुराना मंदिर है ये भगवान तुंगनाथ जी का। इसकी वास्तुकला देखिए आप कितनी खूबसूरत है। हरी नंदी जी भी विराजमान हैं बिल्कुल सामने, और यहाँ के जो पुजारी हैं प्रेम वाला मैठाणी जी, उनसे मैंने बात की है, इस मंदिर के बारे में जानकारी ली है, वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी आगे। ये बहुत ही मतलब इतनी शांति यहाँ मिल रही है मंदिर में आके, ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत पूरी दुनिया और सारी जो कष्ट हैं उन सबको आप यहाँ भूल जाते हैं। पार्वती जी को समय पे मंदिर भी है यहाँ पर। ये देखिए आप मंदिर प्रांगण में अंदर जो है वीडियो और फोटो नहीं बना सकते हैं, सामने गर्भगृह है। ये है पूरा मंदिर, देखिए आप तुंगनाथ, विश्व में सबसे हाइट पर ये मंदिर स्थापित है, भगवान शिव को समर्पित है ये। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो मैठाणी ही लोग हैं, मैठाणी लोग ही यहाँ पूजा करते हैं। और ये जो है अंदर जो है गर्भगृह है इसका मंदिर का। ये देखिए पूरा मंदिर परिसर है, अभी कुछ देर में यहाँ आरती होगी भगवान की। और ये गर्भगृह है, अंदर यहाँ विराजमान है भगवान तुंगनाथ जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ अंदर भी कपाट बंद है, थोड़ी देर में गर्भगृह के कपाट खुलने की आरती होगी यहाँ पर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आरती। ये पूरा तुंगनाथ मंदिर परिसर है, ये देखिए आप पूरा मंदिर परिसर, ये है शिव को समर्पित भगवान शिव का मंदिर, सबसे हाइट पर है।
विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थापित है ये, और पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं इसको दर्शन करने के लिए। हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम भी जो है भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। तुंगनाथ मंदिर चोपता में है, ये रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड का, यहाँ पर है ये। यहाँ के आने के लिए आपको चोपता तक तो आराम से जो है सब मतलब गाड़ियाँ मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग से, ऋषिकेश, हरिद्वार से आप आराम से चोपता तक आ सकते हैं, और यहाँ चोपता से आपको जो है लगभग 4 किलोमीटर और उससे ऊपर 1-2 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की पूरा ट्रैक है जिसको आपको तय करना होता है, और फिर आपको भगवान दर्शन देते हैं। ये है तुंगनाथ मंदिर, जय भोलेनाथ। और मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अभी तो बादल हैं यहाँ, ये देखिए सामने बिल्कुल चौखंबा भी दिखता है यहाँ से, ये हमारे मेरे गृहनगर पौड़ी से भी दिखता है चौखंबा। और ये देखिए, ये है यहाँ पर चौखंबा, ये देखिए आप, ये पूरा चौखंबा है। और यहाँ पर खाने और रहने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं चोपता में, तुंगनाथ मंदिर स्थापित है जहाँ पर। ये सारे यहाँ पर जो है कई सस्ते होटल भी हैं और खाने के लिए भी यहाँ पर है इस जगह। कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं, और कई तरह से यहाँ जो है लोग जो आते हैं वो उनके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती हैं। एक मैं आपको बिल्कुल आप जो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मेरे कैमरे में कह दो मोनाल जो है यहाँ का जो पक्षी है, ये देखिए मोनाल है बिल्कुल, ये देखिए ये बहुत यहीं पाया जाता है इसी क्षेत्र में। इसके अलावा कई वन्य जीव हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत है। भगवान तुंगनाथ आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हम अभी थोड़ी देर में जब यहाँ आरती में बैठेंगे तो आपके लिए भी हम पूजा करेंगे यहाँ पर, आप सबके मनोकामना पूरी करें। ये है देखिए भगवान तुंगनाथ परिसर, भगवान तुंगनाथ मंदिर, ये देखिए ये है बिल्कुल, ये सामने भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर है। यहाँ दुनिया में सबसे ऊँचाई पर स्थापित है ये मंदिर, भगवान तुंगनाथ का मंदिर। ये देखिए ये इसका प्रवेश द्वार है। थोड़ा सा मंदिर की थोड़ा महिमा बता दीजिए, क्या मंदिर है तुंगनाथ भगवान जी की? ये तुंगनाथ मंदिर जो है पंच केदारों का तृतीय केदार का मंदिर है, जो विश्व का शिव मंदिरों में सबसे ऊंचाई का मंदिर है। यहाँ पे जो है अर्जुन ने तपस्या करी है, हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। जहाँ पांच केदार हैं, पांच केदारों में जो है सब सर्वप्रथम केदारनाथ है। केदारनाथ में भगवान शंकर के पृष्ठभाग की पूजा होती है, मधमेश्वर में भीम ने तपस्या करी है और नाभि और उदर की पूजा होती है, तुंगनाथ में जो है हृदय और भुजाओं की पूजा भगवान शंकर के अंगों की, यहाँ पे अर्जुन ने तपस्या करी है, रुद्रनाथ में जो है नेत्र और कपालों की पूजा होती है, वहाँ पे नकुल ने तपस्या करी है, और कल्पनाथ में जो है जटाओं की पूजा होती है, कल्पेश्वर भी कहा जाता है, वहाँ पे सहदेव ने पूजा की। इस प्रकार से पांच केदारों में पांच पांडवों ने घोर तपस्या करने के बाद उसके बाद उनको जो है यहाँ से मोक्ष हुआ, और लास्ट में स्वर्गारोहण बद्रीनाथ से आगे जा करके युधिष्ठिर भगवान के साथ एक कुत्ता भी विराजमान थे जो स्वयं भगवान शंकर थे, वहाँ पे भी युधिष्ठिर की परीक्षा ली गई कि आपके साथ या तो स्वर्ग जाने के लिए विमान जब आया तो वहाँ पे परीक्षा ली गई कि या तो आप जाएंगे या तो ये स्वयं जो है कुत्ते के भेष में जो भी हैं वो जाएंगे। तो वहाँ पे भी युधिष्ठिर अपने सत्यवादी पे रहे, उन्होंने कहा नहीं महाराज ये मेरे साथ रहे पूरे, इनको जो है आप पहले ले जाएं। तो वहाँ पे भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनको जो है युधिष्ठिर को साक्षात स्वर्ग में विमान के द्वारा इस प्रकार से पंच केदारों का महत्व। चंद्रशिला का क्या महत्व है? चंद्रशिला में भगवान रामचंद्र जी ने तपस्या करी है, और जब रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या निवारण के लिए वहाँ पे तपस्या की गई है, और पांडवों ने भी गोत्र हत्या निवारण के लिए आकाशवाणी हुई थी, भगवान शंकर ने जो है ईश्वर की आकाशवाणी से उनको पंच केदारों में यहाँ घोर तपस्या करने पड़े, जहाँ से इनका गोत्र हत्या निवारण हुआ, उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हो गया।
बोलो शंकर भगवान की जय, या बोलो तुंगनाथ भगवान भगवान की जय। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वरम पंचमाले पंच केदार स्मृति नित्यम महापातक नाश तुंगेश्वर भगवान की जय। भूतनाथ जी का मंदिर तुंगनाथ में कितना खूबसूरत दृश्य है, चौखंबा बिल्कुल सामने, बिल्कुल चौखंबा है। भगवान भूतनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, वो देखिए बिल्कुल सामने आपको चंद्रशिला दिख रहा है, उसके नीचे हिरण देखिए कितने सारे हिरण है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सामने चंद्रशिला और उसके नीचे हिरणों का झुंड, देखिए आप कितने सारे हिरण है, ये देखिए आप पूरा भगवान शिव का त्रिशूल। ये तुंगनाथ भगवान जी हैं विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो है स्थापित शिव शंकर जी का मंदिर भगवान तुंगनाथ। ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है, क्या मतलब गजब लग रहा है, देखिए ये चौखंबा है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सबके लिए हमने भगवान तुंगनाथ जी से प्रार्थना की है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।